नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पार्ट साला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीयूटी 2023 का कंप्लीट पेपर पैटर्न और सिलेबस देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में पैटर्न की अगर बात करें तो हम लोग लैंग्वेज, डोमेन और जीटी, जिसको हम लोग जनरल टेस्ट बोलते हैं। लैंग्वेज एक बहुत ही कंट्रावर्सियल टॉपिक 2022 में रहा है। बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि लैंग्वेज से ऑनर्स करना है तब क्या चूज करें, और जिस लैंग्वेज पेपर देना है उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कंफ्यूजन क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। डोमेन को लेकर बहुत कंफ्यूजन थे कि 12वीं में हम लोग इस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो बीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जीटी एक अथाह समंदर, एक तरह से समझ लो कि जीटी एक ऐसा टॉपिक सीयूटी ने जोड़ दिया। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है वो बस अपने जीटी के टॉपिक, जीटी के सिलेबस से अपने एडमिशन दे सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज, डोमेन या जीटी, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप तक दिमाग में पहुंचानी है, वो ये है, जैसे हम लोग यूट्यूब पे या गूगल पे सीयूटी डाल रहे हैं, बहुत सारे रैंडम सर्चेज आ जाते हैं। फिर भाई कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि थंबनेल तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, मेरे थंबनेल तो उनके आगे कुछ नहीं है। वैसे तो उनका भी एक अवेयरनेस और आप तक नॉलेज पहुंचाना ही एम होगा, फिर भी अब बच्चा कैसे डिसाइड करे कि हमें किसका सीरीज फॉलो करना चाहिए या किसका वीडियो सीयूटी के लिए देखना चाहिए। बीएचयू पाठशाला पे एक बार आप अगर प्लेलिस्ट का ओवरव्यू करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि बीएचयू पाठशाला बहुत ही बढ़िया अपडेट्स और बहुत अच्छा एजुकेशनल वीडियोस के लिए जाना जाता है। हम लोगों ने टॉपर स्टॉक ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करा, वहां से बच्चों के क्वेश्चंस नोट किए, जिससे कि एक एनालिसिस निकल के आया कि अच्छा सीयूटी एनटीए करा रहा है तो किस टाइप के क्वेश्चन वो दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक एक्सपीरियंस ट्विटर से, एक गाइडर से अपना सीयूटी का कंप्लीट पेपर पैटर्न, सिलेबस और प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यदि आपके पास टाइम लॉस नहीं करूंगा क्योंकि इसकी सीरीज मुझे पता चल गया फॉलो करने वाले हो, ठीक है। बहुत सारी बातें होंगी अलग अलग वीडियोज में। मैं आपको लास्ट में जो बोलने वाला था यही बोलने वाला था कि बीएचयू पाठशाला अगर आज पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जब तक सर्च नहीं हो जाएगा आपके सब्सक्राइब चैनल में बीएचयू पाठशाला होना चाहिए और आने वाली हर सीरीज को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस होना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी अपडेट्स दूंगा, जो भी एजुकेशनल वीडियो दूंगा, जो भी एनालिसिस, जो भी प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग जो भी प्रोवाइड कराऊंगा वो आपकी प्रिपरेशन में 100% लाभप्रद, हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न एंड सिलेबस, इसका मतलब ये वीडियो के दो पार्ट होंगे। पैटर्न को पहले समझते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। ओके, देखो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और जो रह गया है वो बीएचयू पाठशाला की ये कोर्स परचेजिंग का डिटेलिंग है। हम लोग ऑलरेडी जनरल टेस्ट लैंग्वेज और लैंग्वेज, जनरल टेस्ट लैंग्वेज और ये लीगल पोर्शन, यानी बी एल एल बी वालों के लिए है। बाकी अगर आप बीए के हो तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से अपने आप को देख सकते हो। कहने मतलब ये है कि ये सब टॉपिक हम लोगों ने अपने यहाँ कवर किया हुआ है ऑलरेडी। आप अगर चाहो तो बीएचयू पाठशाला का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि हम लोग जनरल टेस्ट में क्या क्या दे रहे हैं, जनरल टेस्ट में जीके जीएस दे रहे हैं और एप्टीट्यूड दे रहे हैं। सपोज की एप्टीट्यूड की बात करते हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें आपको मैथ्स मिलेगा, ठीक है, और इसमें आपको रीजनिंग मिलेगा। ओके, और हम लोग अगर जीके जीएस की बात करें तो आपको ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा और इकोनॉमिक्स मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें लेक्चर्स किस टाइप के दिखेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं एक बार। ये देखो हमारे यहाँ हिस्ट्री का सिलेबस 2023 का ऑलरेडी सिलेबस पेड बच्चों को दिया जा चुका है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जीटी 2 है, जीटी 1 है और जीटी 20 है, यानी ये ऊपर के स्टार्टिंग वीडियो है, बाकी एंडिंग वीडियो है। टोटल अगर मिनट की बात करें तो एक वीडियो की जो ड्यूरेशन है हमारे यहाँ वो 34 मिनट्स, 43 मिनट्स, 34 मिनट्स, अप्रॉक्स एवरेज 35 मिनट, 30 मिनट हमारे यहाँ एक क्लास ड्यूरेशन होता है, जिसमें टीचर्स आपको बहुत अच्छे से उस टॉपिक को कवर करता है। तो जनरल जीटी के लिए हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है 20 क्लासेस, उसी तरीके से जो टॉपिक बच जाते हैं वो कंटिन्यू टीचर पढ़ाता है, फिर आपको दिया जाता है। और वीकली 2-3 डेज लाइव सेशन बच्चों के लिए स्पेशल जो पेड बच्चे उनके लिए रखा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्वालिटी का देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि अलग अलग टीचर यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे विशाल जो है ये आदित्य सर और आदर्श सर कवर कर रहे हैं, यहाँ पे विशाल सर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी को पूरा कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कोई टॉपिक छोटा रहा होगा तो इन्होंने 18 मिनट रखा है, बाकी टॉपिक बड़ा है तो 47 मिनट रख दिया है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही,
किसी भी मेंटर्स को पढ़ाने से पहले और बच्चों को पढ़ने से पहले। बच्चे कंफ्यूज हैं कि लैंग्वेज में बस क्या है, ग्रामर, ऐसा नहीं है। जब एनटीए पेपर करा रहे हैं तो वो बस ग्रामर में फोकस्ड है ही नहीं, वो लोग आपको साइंस से भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ग्रामर से भी क्वेश्चन दे रहे हैं। जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसमें दोनों का ये कॉम्बो पैक होगा और साथ साथ हम लोग आपको एक प्लस सिलेबस देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वोकैब भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है और साहित्य भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जाके देखोगे तो समझ में आएगा। इसके लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर हम लोग पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये नंबर है, मैं हट जाता हूँ आराम से। इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके डेमो ले सकते हो, फिर कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। अभी जो कोर्स की फीस रखी गई है ऑफर प्राइस पे ओनली 999 रखा गया, कंप्लीट सिलेबस ओनली 999 रुपए में पूरी सीयूटी की प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है सीयूटी का एक सिलेबस जो आप तक पेपर पैटर्न, क्योंकि सिलेबस इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें तो लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक लैंग्वेज रखा गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। जिन बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जैसे फोकस कर रहे हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं बीएचयू। अगर आपको बीएचयू से बीए करना है, ठीक है, कहां से करना है, बीएचयू से बीए करना है, बीएचयू के से बीए करने के लिए हमारे पास एक फोकस जो टॉपिक हो जाएगा, जो एक पोर्शन है और सेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा लैंग्वेज और साथ में जनरल टेस्ट। डोमेन का कोई रोल इसमें नहीं है, लेकिन आप डीयू या जेएमआई जाते हो तो वहां पे डोमेन का रोल बढ़ जाएगा। अगर आप इलाहाबाद जाते हो तो आपको वहां पे डोमेन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज में इन्होंने कितना रखा है, टोटल 13 और 20। अब आप कंफ्यूज हो गए सर 13 और 20 अलग अलग क्यों है। 13 लैंग्वेज जो है ये आपके ऑनर्स के लिए रखा गया है। सपोज कि आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है, अब इंग्लिश ऑनर्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटी में उस लैंग्वेज से पेपर आपका देना पड़ेगा, यानी इंग्लिश का पेपर आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे में आप यहां पे जाके इंग्लिश चूज कर सकते हो। संस्कृत है या हिंदी है तो आप लोग संस्कृत हिंदी ले सकते हो। ये 20 लैंग्वेज क्या है, ये 20 लैंग्वेज में आप अपने पेपर को दे सकते हो। समझ में आया कैसे, यानी पेपर का लैंग्वेज है ये, जिसको मोड बोल सकते हो आप कि हाँ आप लोग पेपर को हिंदी में दे सकते हो, पेपर को इंग्लिश में दे सकते हो, बंगाली में दे सकते हो। इसमें टोटल 13 और 20 लैंग्वेज अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसको मैं सेपरेट वीडियो ले आऊंगा जिसमें समझाऊंगा अच्छे से कि 13 लैंग्वेज वो कौन से हैं और 20 लैंग्वेज ये कौन से हैं। उसके बाद डोमेन की बात करें तो टोटल 27 डोमेन हमारे पास है। कितने हैं, 27। इसको हम लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पूरा इसमें 27 समझ लो, पूरा इंजीनियर तक के सब्जेक्ट रखे गए हैं। अगर आप लोग उसमें, अब यही तो एक मैटर है ना कि सर डोमेन इतने सारे हम कौन कौन से लेके पढ़ सकते हैं, तो ये पूरा एक सीरीज जब तक फॉलो नहीं करोगे इसको समझाना इम्पॉसिबल है। कोई कितना भी थंबनेल पे A to Z इंफॉर्मेशन लिख दे, कंप्लीट 100% प्योर वीडियो, ये फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप कम से कम 10-15 वीडियो पूरी सीरीज नहीं फॉलो करते हो, या फिर प्रिपरेशन के दरमियान आप उसको नहीं सीख लेते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल टेस्ट की बात करें हम लोग, तो जनरल टेस्ट जो है ये अपने आप में, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया, जो समंदर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। इसी में आपका एप्टीट्यूड आएगा, इसी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इको, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सब कुछ इसी में आना है। ये अपने आप में समझ लो कि एक तरह से एक पर्टिकुलर सेक्शंस को देख के विश्वविद्यालय में एडमिशन तक ले सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके वेटेज का, इसके कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और कितने हम लोग को अटेंड करने होते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं जिससे कि चीजें ज्यादा अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको समझ में आए। बाकी मैं चाहता तो ऑफिशियल वेबसाइट से सीधे वहीं पे गोला पार के दिखा सकता था। ध्यान देना कि वहां पे बहुत ज्यादा हैजी हो जाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के लाया, ठीक है। लैंग्वेज टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 50, लेकिन टू बी मार्क्ड, यानी जिसपे मार्किंग होगी वो बस 40 क्वेश्चन पे ही होगा। ध्यान देना कि आपको 40 क्वेश्चन ही अटेंड करना है, अब अटेंड करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 40 का ही स्लॉट ही होगा। जैसे मान लो ये ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे आपके जब गोला रंगने वाला, मतलब वहां ऑनलाइन होगा, जैसे क्लिक करोगे एक एक गोला भरता जाएगा, तो यहाँ पे 40 ही ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे 40 ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि और जैसे ही आप 50 से 40 क्लिक करोगे ऑलरेडी आपका पूरा सेक्शन क्लोज हो जाएगा, यानी आपने पूरा 40 क्वेश्चन अटेंड कर लिया है। अब मैं धीरे धीरे बात करूंगा कि कितना अटेंड करना चाहिए, नहीं अटेंड करना चाहिए। डोमेन में 50 रखा गया है लेकिन अटेंड कितना करना है, यहाँ पे भी 40 ही करना है। कितना करना है, 40 करना है। अच्छा, ये कंडीशन क्यों रेज हुआ कि 50 दे रहे हैं 40 ही अटेंड करना है, इस पर बात कर लेते हैं। बात ये है कि ये 50 क्वेश्चन जो डोमेन है या लैंग्वेज है, ये अलग अलग स्टेट के बच्चों को भी देना है।
तो इसमें जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो अलग अलग बोर्ड के बुक्स से क्वेश्चन उठाना है इनको, कहीं ना कहीं बच्चों को सांत्वना देना कि ये केरला का बच्चा अगर सीयूटी एग्जाम में बैठ रहा है तो वो जो 12वीं में बुक पढ़ रहे हैं वो बुक भी कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन 50 में आएंगे। उस वेरिएशन को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए इन्होंने 50 में से 40 अटेंड करने के कंडीशन को रेज करा है। ठीक है, 70 में कितने अटेंड करने हैं, 70 में 60% अटेंड करने, यानी 60 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं, वो ऑटोमेटिक 60 पे आपका सेक्शन पूरा हो जाएगा। तो बाकी डिटेलिंग वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है वो हमारा इसके बाद डिस्कस होगा। ठीक है, फाइनली लास्ट में आपके लिए एक जो सुझाव है, आप देख रहे थे बीएचयू पाठशाला, मेरा नाम है नीर, और आप लोग को एक पूरी सीरीज मिलेगी जिसमें हम लोग सीयूटी 2023 का सिलेबस, जीटी क्या है, डोमेन क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसका एक प्रॉपर सिलेबस क्या है, फिर इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, ग्राउंड लेवल पे जो मैंने रिपोर्टिंग करी है उसके क्वेश्चंस मैं लिख कर लाया हूं, उस क्वेश्चन की बेसिस पे हम किस तरीके से नए क्वेश्चंस बना सकते हैं, रेट ऑफ करंट सिनेरियो में जो जो टॉपिक बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि आज मैं पहले ही दिन अपने सेशन में एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, अनाउंसमेंट नहीं, एक बहुत बड़ा एक तरह से पेपर लीक की बात कर लो, तो वो है फीफा वर्ल्ड कप 2022, यहां से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि एनटीए पेपर बना रहे हैं और वो इतने बड़े इवेंट को छोड़ दे इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक हैं जो मेरे नजरिए से मुझे सोसाइटी में नजर आ रहा है, करंट सिनेरियो में डेली नजर आता है, और वो क्वेश्चन आपके जीटी में फंस सकते हैं। सो प्लीज बीएचयू पाठशाला को फॉलो जरूर करें, अपने भला के लिए फॉलो करें, और चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगने वाला है, आपको उल्टा ज्ञान मिलने वाला है। So, आप अगर अपना भविष्य तय करते हो फ्यूचर में, तो मुझे भी खुशी होगी कि आपके इतने बड़े सिलेक्शन में छोटा सा योगदान हम सभी करा। तो मुस्कुराते रहें, बीएचयू पाठशाला देखते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं। बीएचयू पाठशाला कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और पूरा फुल डिटेलिंग ले सकते हो, कंप्लीट सिलेबस ले सकते हो, कितने में, ओनली 999 यानी 999 रुपए में। ओके, हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।